जनक जी, नई दुनिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद। हमें खुशी है कि आज आप हमारे साथ हैं। हम आपसे प्रार्थना के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि आपका जीवन तो अपने आप में ही एक प्रार्थना है। क्या आप हमें बताएं कि भाई धर्म में प्रार्थना का क्या महत्व है? प्रार्थना भाई धर्म में ऐसा बताया गया है कि ईश्वर से वार्तालाप है। ईश्वर से वार्तालाप करने का एकमात्र माध्यम प्रार्थना है। विशेष तौर पर इस युग में, इससे पहले हमारे लिए कभी कोई प्रार्थना करवाते थे, पूजा करवाते थे, संकल्प लेते थे हम लोग, लेकिन अभी इस युग में ईश्वर का वरदान है कि हम लोग सीधा प्रार्थना, ईश्वर से प्रार्थना करके वार्तालाप कर सकते हैं। प्रार्थना एक ऐसी सीढ़ी है जो हमें ईश्वर के अनंत लोक तक ले जाती है, उसके नज़दीक ले जाती है। प्रार्थना एक ऐसी शक्ति है जो हमें शांति देती है। प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है जो हमें ईश्वर के नज़दीक ले जाता है। प्रार्थना जब हम सब लोग मिलके, जितने लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे, एक साथ बैठकर प्रार्थना करेंगे, तो प्रार्थना एकता स्थापित करने का, प्रेम स्थापित करने का एक बहुत सहज माध्यम है। आपने बताया कि प्रार्थना ईश्वर से वार्तालाप है। सामान्य तौर पर यह देखा जाता है कि प्रार्थना में व्यक्ति ईश्वर से अपने खुद के लिए बहुत मांग करता है, मेरा ये काम बन जाए, मेरा वो काम बन जाए, इस तरीके से वो कहता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि प्रार्थना वार्तालाप है, तो वार्तालाप में खासतौर से किस बात की वार्ता की जाए ईश्वर से? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा आपने। बहाई धर्म में जो प्रार्थनाएं हैं वो हर मौके के लिए एक प्रार्थना दी गई है। जैसे दुनिया में एकता स्थापित करना एकता की प्रार्थना है, इसी तरह जो बच्चे जब बैठते हैं, स्कूल वाले बच्चे, छोटे बच्चे, तो वो ईश्वर से मार्गदर्शन मांगते हैं। वो पैसा नहीं मांगते, वो मार्गदर्शन मांगते हैं। मैं आपको एक छोटी प्रार्थना ये वाली सुनाती हूँ, बच्चों की प्रार्थना है, बच्चों की। हाँ। हे ईश्वर, मेरा मार्ग दर्शन कर, मेरी रक्षा कर, मेरे हृदय दीप को प्रदीप्त कर दे, और मुझे जगमगाता सितारा बना दे। तू शक्तिशाली है, पल शाली है। एक बालक या बालिका ईश्वर से प्रार्थना कर रही है कि ईश्वर मेरा मार्गदर्शन करो, मेरी रक्षा करो, मेरे हृदय दीप को प्रदीप्त कर दो, और एक जगमगाता हुआ सितारा, जगमगाता हुआ सितारा बना दे। तू शक्तिशाली है और बलशाली है। यहाँ भी एक बच्चा, मैं फर्स्ट आऊँ, कितने नंबर आए, मैं रेस में जीत जाऊँ, मुझे मेडल मिले, ये नहीं मांग रहा। क्योंकि बहाई लेखों में ये कहा गया है कि जो बच्चा है, ऐसे बच्चे बने, वो ऐसे युवा बने जो एक दीपक की तरह हों, और वो जलते हुए दीपक हैं जिसका प्रकाश दूसरों तक पहुंचता है। और ईश्वर को ही कहते हैं वही शक्ति देने वाला है, तो एक समर्पण का भाव आता है। इसी तरह एक प्रार्थना रोग निवारण के लिए है। वो रोग निवारण की प्रार्थना, कोई भी बीमार हो,
तो उसके लिए हम जहाँ भी बैठे हों दुनिया में एक प्रार्थना आरोग्य के लिए करते हैं, इसी तरह दिवंगतों के लिए प्रार्थना है। दिवंगत आत्मा को ईश्वर अपने उस पर्वत शिखर पर जो स्वर्ग है, जिसको स्वर्ग हम लोग कहते हैं, उस पर्वत शिखर पर उनको रोशनी दे और उन्हें अपने अपने प्रकाश में समा ले। तो क्या प्रार्थना के लिए कोई अनिवार्य नियम भी है? बिल्कुल, प्रार्थना एक 24 घंटे में एक प्रार्थना है जो अनिवार्य प्रार्थना है, और वो प्रार्थना दोपहर के 12 बजे से लेके शाम तक सूर्यास्त के बीच में कोई भी बहाई, बहुत छोटी सी प्रार्थना है जो अनिवार्य प्रार्थना है, वो ईश्वर में हम साक्षी देते हैं कि ईश्वर ने हमें दुनिया में इसलिए पैदा किया है कि हम उसको जान सकें, उसको पहचान सकें, उसकी आराधना कर सकें, और अपनी निर्धनता के, उसकी संपन्नता के, अपनी निर्बलता के और उस शक्तिमानता के साक्षी हैं, और उसके अलावा और कोई ईश्वर नहीं, ईश्वर एक ही है, वही एक ही ईश्वर है। ये एक छोटी प्रार्थना है, इसी तरह एक बड़ी प्रार्थना है जो 24 घंटे में किसी भी टाइम की जा सकती है। एक मध्यम प्रार्थना है जो हम दिन में, रात में, मध्य रात्रि में चुन के कर सकते हैं टाइम पर। प्रार्थना करने से हमारा जैसे जीवन में शरीर को साफ करने के लिए साबुन मलते हैं, अपने सफाई करते हैं, प्रार्थना हमारी आत्मा की निर्मलता करता है, आत्मा को स्वच्छ करता है। बहुत अच्छा कहा। क्या व्यक्ति का अपनी आध्यात्मिकता बढ़ाने का कोई और भी साधन है? हाँ, बहाई लेखों में ये भी कहा गया है, कार्य ही पूजा है और प्रार्थना सेवा ही प्रार्थना है। लोगों की सेवा करना, कल्याण के काम करना, परोपकार के काम करना, निस्वार्थ सेवा देना, ये हमारा आध्यात्मिकता को सहयोग देता है। यहाँ तक कि जो बहाई नियमों पर चलना है, सद्गुणों की प्राप्ति करना है, वो सबसे बड़ा साधन है। जैसे उन्होंने कहा, सत्यवादिता सभी गुणों का आधार है, एक सत्यवादिता। अगर हम सत्यवादी हो गए तो हमारे अंदर सब सद्गुण आ जाएंगे, अपने आप ही आ जाएंगे। उन्होंने न्याय के बारे में कहा कि न्याय ईश्वर को सबसे प्रिय, सर्वप्रिय है। तो उन ऐसे सद्गुण धारण करना, न्याय का, प्रेम का, दया का, ये सारे सद्गुण हैं। एक बात और जो नहीं करना चाहिए वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, पर निंदा। निंदा जो है वो एक सबसे बड़ा, एक मतलब इंसान का जीवन जो सबसे ज़्यादा खराब कर सकता है, दुश्मनी पैदा कर सकता है, एक पाप की तरह है निंदा। तो निंदा नहीं करनी चाहिए, दूसरों को अपने से कम नहीं समझना चाहिए, या अपनों को दूसरों से ज़्यादा नहीं समझना। कभी उन्होंने ये भी कहा है, अपने से ज़्यादा हमेशा दूसरों को महत्व देना चाहिए, महत्व देना चाहिए। अपने घर में लोग आए उनको प्रेम पूर्वक, मेरा घर प्रेम का घर है, मेरा घर आनंद का घर है, अतिथि सत्कार करना और भेदभाव नहीं करना। मुझे लगता है जो पक्षपात नहीं करना किसी भी तरह का, वो भी एक आध्यात्मिकता का बहुत बड़ा नियम है। ये बहुत सारे नियम हैं जो हमें आध्यात्मिकता की तरफ ले जाते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत आपका, आपने हमें अच्छा मार्गदर्शन दिया, हमें बताया कि प्रार्थना क्या है और आदमी का वास्तविक जीवन किस तरीके से होना चाहिए। एक प्रार्थना आप भी करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप कहें तो मैं उर्दू में करूँ एक छोटी सी प्रार्थना। करिए। ए परवरदिगार, मेरी रहनुमाई कर, मेरी हिफाजत फरमा, मुझे एक रोशन चिराग और चमकदार सितारा बना, तू ताकतवर और तवाना है। धन्यवाद बहुत 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 धन्यवाद जनक जी आपका, हमें बहुत मार्गदर्शन मिला आपसे, हमें आज पता पड़ा कि भाई धर्म में प्रार्थना का क्या महत्व है और वास्तविक प्रार्थना किसे कहा जाता है।